ओप्पो के F15 सीरीज के बाद ओप्पो ने अब भारत में अपना नया F17 सीरीज का फोन लॉन्च करने जा रहा है। खास बात यह है कि ये 2020 का सबसे पतले स्मार्टफोन होगा। कंपनी ने इनका टीजर वीडियो जारी किया है जिससे फोन का डिजाइन सामने आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ओप्पो के अपकमिंग F17 और F17 प्रो के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो जल्द ही भारत में दो नए स्मार्टफोन F17 एंड ओप्पो F17 प्रो लाने वाला है। कंपनी ने स्मार्टफोन का टीजर भी जारी किया है जिससे इनका डिजाइन काफी हद तक पता चल रहा है। इसके अलावा एक प्रोमोशनल पोस्टर भी ऑनलाइन लीक हुआ है जिससे दोनों फोन्स का स्पेसिफिकेशन सामने आ गया है। कंपनी का दावा है कि ओप्पो F17 प्रो इस साल का सबसे पतला स्मार्टफोन होगा। कंपनी ने ओप्पो इंडिया के ट्विटर हैंडल पर एक टीजर वीडियो शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि ओप्पो F17 प्रो डिवाइस सिर्फ 7.48 मिलीमीटर पतला होगा। इसके साथ ही वीडियो में स्मार्टफोन डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ देखा जा रहा है, यानी इसमें दो फ्रंट कैमरा हो सकता है। इतना ही नहीं, पीछे की तरफ क्वाड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। रियर कैमरा स्क्वायर शेप में दिया गया है। माई स्मार्ट प्राइस के रिपोर्ट के मुताबिक ओप्पो F17 स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। सीरीज का स्मार्टफोन 6 अलग अलग कलर्स ब्लू, व्हाइट, ग्रे, ऑरेंज, ब्लैक और सिल्वर में आएगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि कौन सा डिवाइस किस कलर में होगा। ये स्मार्टफोन भारत में सितंबर की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है और इसका जो सेल है वो अमेजोन के जरिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि स्मार्टफोन को 25,000 रुपए के कम कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। बाकी इस फोन में आप लोगों को 4500 mAh की बैटरी दिख सकती है और साथ में 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिल सकता है। बाकी फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और बाकी सारा फीचर्स जब फोन लॉन्च होगा तब कन्फर्म किया जाएगा। बस आज के लिए बस। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।